नमस्कार, मैं मुकेश दक्ष और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7। कनाडा और भारत के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बताया गया है कि पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों से कुछ सप्ताह पहले कनाडा के अधिकारियों ने अमेरिका सहित कई सहयोगियों से निज्जर की हत्या की सार्वजनिक निंदा करने की मांग की थी। हालांकि सभी देशों ने इससे इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां बाइडेन प्रशासन और उसके सहयोगियों के सामने आने वाली राजनयिक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, क्योंकि ये भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि कनाडा और भारत के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है। इस पर भारत सरकार ने भी पलटवार करते हुए सभी बयानों को बेतुका बताया है। अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में सितंबर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से कुछ हफ्तों पहले पांच देशों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा हुई थी। हालांकि इस चर्चा के बारे में कोई सार्वजनिक उल्लेख नहीं किया गया था। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि निज्जर को 2020 में भारत की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था और उस पर पंजाब में हमलों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था। भारत ने 2022 में उसके प्रत्यार्पण की मांग की थी। आगे बताया गया कि भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों पर खालिस्तान आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाल रहा था, जहां महत्वपूर्ण सिख समुदाय है। लंदन और कनाडा में लगातार खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन होते रहते हैं, इसी से तनाव बढ़ता जा रहा है। यह कूटनीतिक विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिमी देश प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना करने से बचते हुए भारत के साथ अपनी भू राजनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। वही दक्षिण एशिया के विश्लेषक माइकल कुगेलमैन ने पश्चिमी सरकारों के सामने आने वाली दुविधा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सरकार ने कनाडा को एक सहयोगी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन एक प्रमुख रणनीतिक भागीदारी के रूप में भारत के साथ अपने संबंधों को भी महत्व दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि ट्रूडो ने राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के समक्ष आरोपों को उठाया है। इसके जवाब में अमेरिका ने चिंता व्यक्त की और कनाडा की जांच और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के महत्व पर भी जोर दिया है। तो इन सब तमाम हालातों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते में फूट पड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7।